शहडोल से बड़ी खबर सामने आ रही। रेलवे ठेकेदार पर 1,64,000 का जुर्माना लगाया गया है। गेहूं का परिवहन करने वाले ठेकेदार पर जुर्माना लगा है। समय पर गेहूं का उठाव ना करने पर यह जुर्माना लगाया गया है। विदिशा से यह गेहूं शहडोल लाया गया था। रेलवे स्टेट ठेकेदार पर 1,64,000 का जुर्माना लगाया गया है। गेहूं का वक्त पर उठान नहीं करने और गेहूं का परिवहन करने वाले ठेकेदार पर जुर्माना लगा है। आपको बता दें, विदिशा से शहडोल ये गेहूं लाया गया था। सही वक्त पर गेहूं का उठाव ना कराने पर जुर्माना लगाया गया है। 1,64,000 की राशि चुकानी होगी। और रुक करेंगे अजरविंद नामदेव का, जो क्या कुछ जानकारी हासिल हो पा रही है। ठेकेदार पर 1,64,000 का जुर्माना, क्या कुछ लापरवाही बरती थी। पीडीएस सहित शासन की अन्य योजनाओं के तहत विदिशा से शहडोल आया गेहूं का एक बड़ा लाद रेलवे रैक के थ्रू आया था, जो कि अभी बीते दिन दो दिन पहले हल्की बारिश में ही भीग गया था। और इसी दौरान जो है समय पर परिवहन नहीं करने पर रेलवे ने 1,64,000 रुपए का जुर्माना संबंधित ठेकेदार को किया है। ये जो ठेकेदार है सतना जिले के AKRL फर्म के परिवहन करता है, जो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे इनको परिवहन का ठेका मिला, लेकिन समय सीमा पर ये अपना परिवहन नहीं कर पाए हैं, जिसको लेकर के रेलवे ने इनके ऊपर जुर्माना ठोका है। आपको बता दूं कि ये जो गेहूं है, ये गेहूं दुकानों में वितरण होने के लिए आया था, जिसको समय पर ये जो है ये वितरण नहीं कर पाए हैं और इसको लेकर के रेलवे ने जुर्माना ठोका। वही नान विभाग भी इस लापरवाही को लेकर के जुर्माना ठोकने की बात कह रहा है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय नामदेव खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए।